नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में। आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं विजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, अपना भौगोलिक चिंतन चल रहा था। सप्ताह के लास्ट दिनों में 3 दिन अपना जो है एनसीईआरटी चलता है, 3 दिन अपना भौगोलिक चिंतन चलता है, 1 दिन यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ऐसे जो अपना है उसी आधार में अपन है भौगोलिक चिंतन है का इतिहास अपन कर रहे थे। तो उसमें अपन है कल अपन ने चर्चा की थी अमेरिकी भूगोलवेताओं के बारे में। अमेरिकी भूगोलवेताओं में हम चर्चा कर चुके हैं विलियम मॉरिस डेविस की, जो कल अपन ने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। इनके ग्रंथों के बारे में चर्चा की, फिर एलन चर्चिल सैमपुल रेडजेल की जो शिष्या थी, कट्टर निश्चयवादी थी, इसकी भी चर्चा अपन ने जो कल की क्लास में कर ली थी। उसके बाद में जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन है, जो उनकी भी चर्चा अपन ने जो है कल की क्लास में कर ली थी। आज की क्लास में जो अपन चर्चा करने वाले हैं अन्य अमेरिकी भूगोलवेत्ता, उनमें है ईशा बोमेन। ईशा बोमेन प्रमुख है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है। इम्पोर्टेंट है, भूगोलवेत्ता है, महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, क्योंकि इनका भौगोलिक योगदान भी जो है देखने को मिलता है। तो इनका जन्म 1878 में हुआ था, जबकि मृत्यु 1950 में होती है। जन्म तो होता है 1878 में, मृत्यु होती है 1950 में। तो है ईसा बोमेन भूगोलवेता होने के साथ साथ राजनयिक भी था, कि मतलब कि है राजनीति में भी इनका जो है योगदान था, पॉलिटी में भी इनका योगदान था। तो ईसा बोमेन है जो भूगोलवेता तो था ही, राजनयिक भी था, क्योंकि उसने वर्षाई की संधि के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में सीमाओं का निर्धारण किया। किसको राजनयिक क्यों कहा गया है, और है जर्मन के विद्वानों ने इसे अमेरिका का क्या कहा है, भू राजनीतिज्ञ कहा है, जर्मनी के विद्वानों ने कहा है अमेरिका का, किसको, ईशा बोमेन को, क्योंकि ये भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ में राजनयिक था। वर्षाई की संधि के बाद में क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देशों में जो सीमाओं का निर्धारण है वो इन्होंने किया। इस प्रकार उसने अमेरिका में राजनीति भूगोल के क्षेत्र विकास में योगदान दिया, कि उसने है अमेरिका में राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र विकास में योगदान दिया। यद्यपि जो जर्मन भूगोलवेत्ता हुए इसकी आलोचना करते थे, इनकी आलोचना भी करते थे, लेकिन एक जगह ऐसा भी कहा गया है जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कि जो है ईशा बोमेन है अमेरिका का भू राजनीतिज्ञ है ईशा बोमेन। तो है यहाँ पे बात उभर कर आती है कि अमेरिका में राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र विकास में योगदान दिया। इनके जो ग्रंथ है, ग्रंथ में द न्यू वर्ल्ड नया संसार महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आया हुआ क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको कितनी सारी एक साथ में है जो बातें क्लियर कर रहा हूं मैं। आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, द न्यू वर्ल्ड किसका ग्रंथ है, और इसमें से कोई कुछ नहीं पूछेगा, आपको क्या बताना है, ईशा बोमेर। दूसरा पायोनियर फिंज महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पायोनियर फिंज इंग्लिश में दे देगा या हिंदी में दे देगा, दोनों में से दे देगा, आपसे मिलान करवा लेगा कौन से भूगोलवेत्ता का ग्रंथ है ईसा वोमेन का। फॉरेस्ट साइकोग्राफी है, जो भी ईसा वोमेन का जो ग्रंथ है। अटाकामा के मरुस्थलीय पदचिन्ह, डेजर्ट ट्रेल्स ऑफ अटाकामा, ये भी इनका ग्रंथ है। दक्षिणी पेरू के एंडीज पर्वत, पर्वत है यहाँ पे एंडीज पर्वत, दक्षिणी पेरू के एंडीज पर्वत है, इनका ग्रंथ मिलता है। तो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, द न्यू वर्ल्ड नया संसार, दूसरा है इसका पायोनियर फिंज महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तीसरा दक्षिणी पेरू के एंडीज। तीनों ग्रंथ आपको है जो याद रखने हैं, एग्जाम में तीनों में से है पूछे जाने की संभावना है, 99% संभावना रहती है ईसा बोमेन की, जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, इसके अलावा ईसा बोमेन में कुछ भी नहीं पूछा जाता आपको। इसके अलावा इनका योगदान की बात करें, भूगोल में इनका योगदान, उसने लेटिन अमेरिका मध्य व दक्षिणी देशों के मानचित्र 1:10,00,000 की मापनी पर प्रकाशित किए, कि लेटिन अमेरिका देशों के मानचित्र है 1:10,00,000 की मापनी पर प्रकाशित किए। उसने सर्वप्रथम एंडीज प्रदेश का समोच्च रेखीय मानचित्र बनाया, एंडीज प्रदेश है उसका समोच्च रेखीय मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, ऐसा वोमेन ने बनाया। उसने यूएसए की पूर्वगामी सीमाओं का अध्ययन किया, यूएसए की पूर्वगामी जो सीमाएं हैं उनका अध्ययन किया था। 1936 में आनुवंशिक वर्गीकरण सीमाओं का हार्ट शोर ने प्रस्तुत किया,
ये बात नोट में है, यहां से लेकर ये इतनी बात नोट में है। क्या है नोट में? पहली बात तो ये है कि उसने यूएसए ने, किसने, ईसा बॉम्बे ने यूएसए की पूर्वगामी जो सीमाओं का अध्ययन किया, ठीक है। नोट में आपको लिखना है सन 1936 में आनुवांशिक वर्गीकरण, सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण हार्टसोन ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? हार्टसोन ने प्रस्तुत किया। उसने जीन ब्रूंस की मानव भूगोल का फ्रांसीसी भाषा में से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन ब्रूंस है कि कौन सी पुस्तक है फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा किया गया? ईसा बोमेन के। कौन सी पुस्तक की? मानव भूगोल। किसने किया? ईसा बोमेन ने। किसकी पुस्तक थी? जीन ब्रूंस की। तो इत्यादि आपकी जो सारी भी है, जितनी भी सारी आपके यहाँ से क्वेश्चन पुट अप, टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइप्स की किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो वो सारे अपन को क्लियर करते जाना है। उसने हम्बोल्ट की भांति दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यात्राएं की, अटाकामा मरुस्थल को पार किया। कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यात्राएं की, अटाकामा मरुस्थल है उसको पार किया किसने? इसने, ईसा बोमेन ने, हम्बोल्ट की भांति। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के दौरान कौन सी महासागरीय धारा हम्बोल्ट ने खोजी थी? मैं पढ़ा चुका हूँ हम्बोल्ट बड़े शानदार तरीके से। आपको कमेंट करना, आप कमेंट नहीं करते हो, आपको कमेंट करना है कौन सी धारा थी जो है हम्बोल्ट ने है खोजी थी दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के दौरान। उसके बाद में जो है थॉमस ग्रिफी टेलर, नाउनिचीवाद याद आ गया टेलर के नाम से, थॉमस ग्रिफी टेलर, इनका जन्म 1880 में हुआ जबकि मृत्यु 1963 में होती है। जन्म होता है 1880 में, जब मृत्यु होती है 1963 में। टेलर स्पष्टवादी विचारों वाले अगर दृष्टा, ये थोड़ा है मिस प्रिंटिंग है, अगर दृष्टा व व्यवहारिक भूगोलवेत्ता थे। कि टेलर स्पष्टवादी विचारधारा के अगर दृष्टा और व्यवहारिक भूगोलवेत्ता, उद्देश्यवादी भूगोलवेत्ता थे तथा ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय प्रवास नीति से भेदभाव होने के कारण ऑस्ट्रेलिया छोड़कर सन 1928 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। अब इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? जो है अपना ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, इनकी ये इनका मूल निवास था ऑस्ट्रेलिया, मूल निवास या बोले तो जन्म स्थान था ऑस्ट्रेलिया, मूल निवास था अमेरिका। तो इनके साथ में क्या होता है? इनके साथ में भेदभाव होता है प्रवास नीति के कारण, राष्ट्रीय प्रवास नीति के कारण भेदभाव होता है। इनको महत्व नहीं दिया जाता, इसको एक है कोने में डाल दिया जाता है, मतलब है इनके विचारों को समझा नहीं जाता, इसको इनको समझा नहीं जाता। तो इन्होंने क्या क्या में कदम ये उठाया कि ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इनको अमेरिका जाना पड़ा। वहां पे इन्होंने है भूगोल में काफी योगदान किए, रिसर्च किए, काफी खोजे की। इनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा फैल गई कि ऑस्ट्रेलिया से फिर इनके पास संदेश आने लग गया कि आप हमारे पास में आओ, हमसे गलती हुई, हम आपको समझ नहीं पाए, आप स्वदेश लौट आओ। तो ऐसा कुछ इनकी कहानी है। तो राष्ट्रीय प्रवास नीति से भेदभाव होने के कारण ऑस्ट्रेलिया छोड़कर सन 1928 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उसी दौरान इनको अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ का स्थायी सदस्य चुना गया। अब इनको अमेरिकी में तभी पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है अमेरिकी भूगोलवेत्ता में? क्योंकि इनका अमेरिका में योगदान है, मूल निवास इनका अमेरिका में मिलता है, तभी इनको पढ़ा जाने लगा। तो अमेरिकी भूगोल का स्थायी सदस्य चुना गया क्योंकि ये अमेरिका चला गया, इनके विचारों को वहां समझा गया, इनको जाना गया, फिर है इनको है जो है सम्मान दिया गया वहां पे अमेरिका में, फिर इनको अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ का स्थायी सदस्य चुना गया। सन 1952 में पुनः ऑस्ट्रेलिया लौटे। इतनी लंबी अवधि पर ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहने के कारण भी ऑस्ट्रेलिया के प्रति देश प्रेम सन ऑफ द सोयल की तरह बना रहा। मतलब कहने की बात यह है कि वर्तमान में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है कि लोग पढ़ लिख लेते हैं, विदेशों में नौकरी करने के चले जाते हैं, वहां बस जाते हैं, अपन को जो है अपने देश को भूल जाते हैं। लेकिन ग्रिफिथ टेलर ऐसा था, इसको वहां से भगा दिया गया, इसको सम्मान नहीं दिया गया, अपमानित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। लंबे समय तक अमेरिका रहा, वहां पे इसने खोजे की, रिसर्च की, उसको सम्मान मिला, सब कुछ मिला वहां पे। लेकिन अपने देश के आग्रह पर है 1922 में पुनः ऑस्ट्रेलिया लौटे। इतनी लंबी अवधि के बाद में रहने के बाद में इनका जो प्रेम है, देश प्रेम है, जो स्वदेश प्रेम है अपनी जन्मभूमि के प्रति, ऑस्ट्रेलिया के प्रति, सन ऑफ द सोइल मिट्टी का पुत्र उनके प्रति है, वैसे का वैसे ही बना रहा।
उसने आते ही अपने गीला शिकवा दूर किए और वह उस ट्रेन में जो है वो होली कार्य में लग गया वापिस। टेलर ने वातावरण निश्चयवाद एवं संभववाद की समन्वयकारी विचारधारा रुको और जाओ या नवनिश्चयवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नवनिश्चयवाद का मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, मिलवाएगा टेलर रुको एंड जाओ स्टॉप एंड गो विचारधारा किसकी है? टेलर महोदय की। वातावरण निश्चयवाद आए, संभाव्यवाद की समन्वयकारी विचारधारा है उसके संबंध में पूछा जाए टेलर होगा। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के जो ग्रिफिथ टेलर है उसने मानव प्रजातियों से संबंधित अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत, महत्वपूर्ण बात आ रही है, मानव प्रजातियों के संबंधित अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी प्रस्तुत की कि ग्रिफिथ टेलर ने है मानव प्रजातियों से संबंधित अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन जोन थ्योरी जिसको बोला जाता है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत है प्रस्तुत किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रवास कटिबंध सिद्धांत के जनक ग्रिफिथ टेलर, इसे कटिबंध स्तर सिद्धांत जॉन स्टेटा थ्योरी ये भी पूछा जाता है आजकल। जॉन स्टेटा थ्योरी किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। डॉक्टर टेलर ने 1921 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, मानव प्रजाति का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। इनके वर्गीकरण का आधार शीर्षक सूचकांक सिर था तथा बालों की बनावट माना गया, जिसके अनुसार 7 मानव प्रजातियां बनाई गई है। ये इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा फिर भी मैं आपको बता देता हूं। नेग्रिटो बहुत पतला सर, निग्रो बहुत लंबा सर, ऑस्ट्रेलाइड लंबा सर, मेडिटेरियन मंजिला लंबा सर, नॉर्डिक जिसका मंजिला सर होता है, अल्पाइन चौड़ा सर, मंगोलिक बहुत चौड़ा सर है, इत्यादि 7 जो है प्रजातियां बताइए। ग्रंथ की बात करें इनकी, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आर्थिक, ऑस्ट्रेलिया फिजिकल एंड इकोनॉमिक, ऑस्ट्रेलिया का परिवेश है उसका ब्रिटिश आवास पर प्रभाव, प्रजातीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल पर निबंध, नगरीय भूगोल, वातावरण प्रजाति तथा प्रवास, कनाडा की जलवायु क्लाइमेट ऑफ कनाडा, 20वीं शताब्दी में भूगोल, ये महत्वपूर्ण आ गए यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 20th century पूछा गया क्वेश्चन है, आने की संभावना है, क्लाइमेट ऑफ कनाडा भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें से जो है ग्रंथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कुछ यही भूगोल बताया, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आर्थिक या परिवेश है उसका ब्रिटिश आवास पर प्रभाव, ये आपको ध्यान में रखना है। सांस्कृतिक भूगोल देखना आपको, सांस्कृतिक भूगोल भी टेलर का ग्रंथ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो आत्मकथा होती है टेलर, यात्री टेलर, इसमें मिलता है इसका कथन कि इसको किस प्रकार अपमानित किया गया, सम्मान नहीं दिया गया, इसको मजबूरन ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा, अमेरिका गया, लेकिन फिर है वापिस लौट आया अपने स्वदेश प्रति जो प्रेम था, देश प्रेम की जो भावना थी उसके प्रति, अपने है मिट्टी के प्रति, सन ऑफ द सोयल है जिसको बोला जाता है, तो इसको वापिस लौट के आना पड़ा। मार्स की चर्चा करते हैं, इनका ग्रंथ मिलता है मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति द अर्थ एंड मैन जो है मार्स का ग्रंथ है। मार्स ने भूगोल में उस प्रोग्राम का प्रचार किया जिसको वर्तमान में संरक्षण कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है उस है प्रोग्राम का प्रचार किया। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना था कि मानव को प्रकृति से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हुए प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, ये हुई ना बात कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्रकृति का शोषण नहीं करे, भावी पीढ़ी आ रही है उनके लिए भी बचा कर रखे। यदि इस विचारधारा के विचार फ्रांसिसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस ने भी दिए थे, जिससे उसे डाका देने वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाका देने वाली अर्थव्यवस्था किसने कहा? जीन ब्रूस ने कहा। किसको कहा है? जो है अंधाधुंध है इसकी प्रकृति की जो है मानव अंधाधुंध है उसका शोषण कर रहा है उसको डाका देने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। गुयोट, गुयोट यह यूएस में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर था, इसने अमेरिका में अमेरिकन भौगोलिक समिति की स्थापना की। यह रिटर का अनुयायी था, जर्मनी भूगोलवेत्ता रिटर का जो है अनुयायी था। गुयोट टीलियोलॉजिकल उद्देश्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। यहां से एक बात ही आती है उभरकर, एक बात है महत्वपूर्ण है, गुयोट क्वेश्चन आया हुआ है टीलियोलॉजिकल विचारधारा या उद्देश्यवादी विचारधारा। अब इसका जो है टीलियोलॉजिकल विचारधारा मैंने पहले पढ़ाई थी, एक भूगोलवेत्ता पढ़ाया था, तो वो कौन सा है आपको अगर याद आ रहा है तो आपने है अध्ययन किया है जिससे, वरना आप है अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो वह है कौन सा? अरिस्टो टीलियोलॉजिकल विचारधारा,
का है जो जनक था अरस्तु, अरस्तु में उसको पढ़ा गया था। आज की क्लास में साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के बाय, धन्यवाद है। उम्मीद है कि क्लासेस है आपको पसंद आ रही है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।